तो ये 2022 के चुनाव में कुछ जा नहीं सकते। तो कांग्रेस जब मजबूत हो रही थी तो इनको कुछ नहीं मिला, तो दबा के ईडी का छापा प्रत्येक दिन राहुल गांधी के पीछे या उनके कांग्रेस की कार्यकर्ताओं के पीछे दबा के मतलब चल रहा है ताकि सुर्खियां बने। और न्यूज चैनल तो इनके गुलाम है ही है, जो ये कहेंगे वो भौंकेंगे, और जब भौंकेंगे तो कुछ ना कुछ तो अंधभक्तों के समझ में आएगा ही आएगा ही। वो भी नहीं समझ में आया तो लो भाई एक नया फरमान लेके, ये अच्छी तरह से जानते हैं कि 4 साल की नौकरी का जब ही हम कहेंगे तो पूरे देश में एक बवाल सा पैदा होगा, और जब बवाल सा पैदा होगा तो सबका ध्यान इस नए मुद्दे के ऊपर आके अटक जाएगा। समझ में आया आपको? सोची समझी मास्टर प्लान है ये, सिर्फ 4 साल की नौकरी। देश के युवाओं के साथ इतना घटिया इतना भद्दा मजाक शायद किसी सरकार ने अब तक किया हो, क्योंकि मोदी जी की जो सरकार है वो हर किसी की जिंदगी से खिलवाड़ करने में माहिर है। माहिर इस प्रकार है, अभी आपने देखा अग्निपथ क्या टाइटल दिया है, फिल्मी अंदाज, फिल्मी नाम अग्निपथ, क्या चीज के लिए? तो देश के युवा हमारे देश की सेवा करना चाहते हैं तो उन्हें एक अग्निपथ से गुजरना होगा। ये कौन सी नई भाषा है, कौन सा नया नाम है? देश के वीर जवान भारतीय सेना हर दिन वो अग्नि परीक्षा बॉर्डर के ऊपर देते हैं, हर दिन 135 करोड़ जनता के लिए हर दिन वो अग्नि परीक्षा देते हैं। लेकिन आपने हमारे देश के जवानों के क्या दिया? 4 साल की नौकरी, 20 साल से यानी 25-26 साल की उम्र में रिटायर, और जब उसकी शादी का टाइम आए तब मियां बीबी कटोरा लेके रोड पे बैठ के भीख मांगे, क्या करेंगे? जिसको एक बार बॉर्डर पे उसने अपनी 4 साल जिंदगी के दे दिए, उसके बाद वो क्या करेगा? वो अपने बाल बच्चों का भविष्य क्या तलाशेगा? इससे बड़ा मजाक आप लोग ने कभी देखा है? 20 साल की नौकरी, 16 साल की नौकरी, 12 साल की नौकरी तो समझ में आई, लेकिन 4 साल की सरकारी नौकरी आपको समझ में आ रही है? और 4 साल में कौन सा अनुभव प्राप्त करेंगे सेना में जाके हमारे देश के जवान? जब तक वो समझेंगे तब तक रिटायर हो जाएंगे। यानी कि इस देश को ही अग्नि परीक्षा में झोंकने का काम सीमा को मोदी सरकार लगा रही है। ये अग्नि परीक्षा समझो सेना का नहीं हो रहा है, अग्नि परीक्षा यदि हम कहें तो इस देश का हो रहा है। लोगों का ध्यान भटकाने के लिए जब भी मोदी कोई गलत कदम उठाता है, मतलब कोई गलत कदम और उसका विरोध देश में या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने लगता है तो तुरंत से मोदी जी एक नया चीज नुकता छोड़ देते हैं ताकि सब पब्लिक का ध्यान उधर आकर्षित हो जाए। अभी अनुकूल शर्मा का तो आप लोग को याद ही है, भारतीय जनता पार्टी ने 2 प्रवक्ताओं को सस्पेंड किया, क्यों किया? विदेशी दबाव के कारण से किया। और देखिए दिमाग, देखिए दिमाग समझने की जरूरत है। आरएसएस किसका टीम है, विश्व हिंदू परिषद किसका टीम है, बजरंग दल किसका टीम है? भारतीय जनता पार्टी का ही है ना हिस्सा। और इन्हीं के कार्यकर्ता रोड पे उतरते हैं समर्थन में, और इनकी ही सरकार अपने ही प्रवक्ता को गेट आउट करती है। मतलब समझने की जरूरत है कि किस तरीके से हमारे देश की जनता को प्रेम से तरीके से मूर्ख बनाने का काम करते हैं। और जब उससे भी मामला नहीं सुलझा तो 4-5 दिन से 8 साल से कांग्रेस पे ध्यान नहीं हुआ ईडी का, क्योंकि उस टाइम के मुद्दे चुनाव के कुछ और थे, विकास का मुद्दा था, देश की सुरक्षा का मुद्दा था। अब तो ये 2022 के चुनाव में कुछ जा नहीं सकते, तो कांग्रेस जब मजबूत हो रही थी तो इनको कुछ नहीं मिला, तो दबा के ईडी का छापा प्रत्येक दिन राहुल गांधी के पीछे या उनके कांग्रेस की कार्यकर्ताओं के पीछे दबा के मतलब चल रहा है ताकि सुर्खियां बने। और न्यूज चैनल तो इनके गुलाम है ही है, जो ये कहेंगे वो भौंकेंगे, और जब भौंकेंगे तो कुछ ना कुछ तो अंधभक्तों के समझ में आएगा ही आएगा ही। वो भी नहीं समझ में आया तो लो भाई एक नया फरमान लेके, ये अच्छी तरह से जानते हैं कि 4 साल की नौकरी का जब ही हम कहेंगे तो पूरे देश में एक बवाल सा पैदा होगा, और जब बवाल सा पैदा होगा तो सबका ध्यान इस नए मुद्दे के ऊपर आके अटक जाएगा। समझ में आया आपको? सोची समझी मास्टर प्लान है ये, सिर्फ 4 साल की नौकरी, क्योंकि जानता है कि देश के नौजवान रोड पे उतरेंगे, तोड़फाड़ होगा। अभी मैं देखा हूं छपरा में शायद ट्रेन में आग लगाया गया है, फेसबुक पे ही देखा हूं। तो समझने की जरूरत है कि युवा हमारे देश की
आन बान शान है। अब इन युवाओं को इन्होंने किस तरीके से मूर्ख बनाने का काम किया, हमारे देश के एक एक युवा समझ लें। आपको याद है ना, 8-9 साल पहले जब मोदी जी आए थे, हम प्रत्येक साल 2 करोड़ नौजवान को रोजगार देंगे। बाद में इन्होंने क्या कहा, पकौड़े तलना भी एक रोजगार है, लेकिन हम अतिक्रमण भी हटाएंगे, अतिक्रमण नहीं होने देंगे किसी जगह का। तो पकौड़े क्या इनके मैं क्या कहूं, मैं फिर मेरे मुंह से यार गाली निकलती है तो ये बोलते गाली देता है। पकौड़े कहां इनके माथे पे जाके तलेगा इन नेताओं के, और खाएगा कौन, इन नेताओं का बाप खाएगा? कहां पे ये पकौड़े तलने का भी धंधा करेंगे, ये भी तो बता दें। पूरे देश में अभी अतिक्रमण के नाम पे हिंदू मुस्लिम पे हो रहा है, तो किस जगह पे बैठेंगे ये युवा, किस जगह पे रोजगार तलाशेंगे, ये मुद्दा है। कुत्ते की तरह आके मोदी जी कुछ भी भौंक के चले जाते हो, उससे समस्या का समाधान नहीं होता। कुत्ते की तरह आप आते हो, 3 दिन में कुछ भौंक के चले जाते हो, लेकिन धरती पे वो चीज नजर नहीं आता है। तो ये देश के हमारे नौजवान क्या करेंगे? आप ही का भाषण दिया हुआ है ना कि 60% हमारे युवा हैं, हमारे देश की शक्ति है। इन शक्ति को पेट भरने के लिए क्या करना पड़ेगा मोदी जी, ये तो बताओ। 4 साल की नौकरी कितने, 1 लाख नौकरी खाली है। 60% यानी कि 70-80 करोड़ जनसंख्या में 1 लाख नौकरी दोगे, उसमें भी अरबों रुपया आप उनसे फॉर्म जमा में वसूलोगे। तो ये हमारे देश के युवाओं के साथ यदि भद्दा घटिया कोई मजाक करने का काम किया है, तो ये हमारे महान यशस्वी भवा, तेजस्वी भवा, फेकू भवा, जुमलेबाज भवा प्रधानमंत्री जी ने महान कार्य किया है। हमारे देश के महान प्रधानमंत्री, विश्व गुरु, विश्व विजेता, यही चलता है ना, गोदी मीडिया यही प्रचार करती है। और आपके अंधभक्त और ये क्या कहते हैं गोदी मीडिया, और आपके नेता चाटुकार नेता जिनको इस देश से प्रेम नहीं है, सबको इस देश की गद्दी से प्रेम है, हमारे देशवासियों से प्रेम नहीं है, हमारे देश के नागरिक से प्रेम नहीं है। उनका जीवन कैसे कटेगा इससे इनको कोई वास्ता नहीं है। और सबसे बड़ी बात, एक बहुत पुरानी कहावत है, जैसी जिसकी संगति होती है ना वैसा आदमी का विचार बन जाता है। देश के गृह मंत्री, एक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी एक विद्वान नेता है, एक सुलझे हुए नेता है, लेकिन गलत जगह पे जाके राजनाथ सिंह जैसे नेता जब फंस गए तो उनके मुख से भी देखो कैसा कैसा बयान निकलता है। संगति का बहुत वास्तव में असर पड़ता है, इसमें कहीं कोई शक की बात नहीं है। दारूबाज दारू वाले के पास बैठेगा तो वही आदि बनेगा, इसमैकिया के पास बैठेगा तो वही आदि बनेगा, साधु संत साधुओं के पास बैठेगा तो वहां पे वो साधु संत की बात करेगा, हर जब कोई फंडी और गपेड़ी फेंकू के साथ कोई संगति बनाएगा तो राजनाथ सिंह जैसे आदमी भी डोल जाते हैं मस्तक। जय हिंद।